रहनुमा के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, आपने इसके और भी कुछ स्टेप्स हैं, इसके कुछ माइलस्टोन्स हैं, जैसे शेपर है, जैसे रहबर है, रहबर है, बादनुमा है, तो बादनुमा है जी, तो ये आप कैसे लेके चल रहे हैं और एंड पे आपकी प्रोडक्ट किस सूरत में बनती है और क्या ये इंटरकनेक्टेड हैं ये सारे स्टेप्स, और आखिर में जो आप चीज़ प्रोड्यूस करते हैं आपकी आइडियल जो प्रोडक्शन होती है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है? सर, हमें जिस चीज़ को जिसको आप इंटीग्रेशन कह रहे हैं और है भी ऐसा ही इंटीग्रेशन, ये ही इंटीग्रेशन हम शख्सियत के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं सर। सही, वो जिसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं, मैंने उसकी जो तारीफ की है वो इंटीग्रेशन ऑफ योर एग्जिस्टिंग जो आपके पोटेंशियल्स हैं उनकी इंटीग्रेशन का नाम इंटेग्रिटी है सर। सही सही सही, चीज़ें मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं। सही, और इंटेग्रिटी में ये इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सेगमेंट जिसको हम आज अंग्रेजी जुबान में और एक इम्पोर्टेड हालत के अंदर हम जिसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे ये वही चीज़ है जो तज़किया नफ्स के नाम के ऊपर हम हर जुमे को मौलवी साहब से जो खुतबा सुनते सही, हैं सही, ये बिल्कुल उसका एक रेप्लिका है। मेरे इस प्रोग्राम का मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इस प्रोग्राम से किस तरह से जो है वो बच्चों को क्या करते हैं कि वो जो उनके लिए आसान हो जाता है, तो मेरा आसान सा जवाब होता है कि मुसल्ला अफवाज में शामिल होने के लिए जो बच्चे जिस जुनून के साथ हमारे पास आते हैं, उन बच्चों की एनर्जी जिस तरह से उसको हम फिर रेगुलेट करके उसको एक सोल्जर के अंदर हम बनाते हैं, सही, ये एनर्जी इतनी इतनी अहम है कि इसको अगर हमने इसको कैपिटलाइज ना किया तो ये बच्चा बिखर जाता है ये फिर। सही, सही। और वो उसकी वो इमोशनल एनर्जी है सर, इस इमोशनल एनर्जी को मैनेज करना जो है रेगुलेट करना ये सर तज़किया नफ्स है। सही सही, अपने अपने वो ड्राइवर्स जिनको आपने जिसके साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं। मज़ेदार बात यह कि उसको रेगुलेट करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ईजाद करने की जरूरत नहीं, बने पड़े हमारे अपने पास। सही, वो सिर्फ उनको अब ऑन करना है। सही, ऑन करते जाना है। मेरे पास आने वाले बच्चों का जो माशाल्लाह जो नॉलेज बेस है वो बड़ा अच्छा नॉलेज बेस के साथ बच्चे, जो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है इसकी आफाकियत इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरे पास तुर्बत से, डेरा जमाली से, डेरा भुगती से, करक से, फाटा के इलाकों से, पंजाब के इंटीरियर इलाकों से बच्चे ऐसी ऐसी जगहों से आ जाते हैं कि जिनका शायद हम आम तौर पे हमें नाम भी नहीं आते उनके गांवों के जहाँ जहाँ से वो बच्चे आते हैं, और 15 दिन के, 20 दिन के, एक महीने के एक्सपोजर के बाद ये बच्चे बिल्कुल एट पार होते हैं हमारे उन बच्चों के साथ जिनकी तालीम का बंदोबस्त उनके वालदैन ने किया हुआ है, बड़े बड़े स्कूल चेन, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ एक ऐसे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इम्पार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत शॉर्ट मुद्दत में उन लोगों को वहाँ ला खड़ा करते हैं उनके उनके कद के साथ, और वो वैसा आप उनको और ये ही मेरा जो है मेरा ये पैशन। इस ड्यूरेशन पे आते हैं कि आपका ये जो कोर्स है जी, या ये जो कोर्स ऑफ एक्शन भी है जी, ये सारी की ड्यूरेशन कितनी है? मतलब ये तो हमने बताया कि ये आप मुझे ज़रा दोबारा बता दीजिएगा ऑडियंस के लिए जी जी, कि प्रोग्राम ओवरऑल इसका नाम रहनुमा है, रहनुमा प्रोग्राम, इसका एक स्टेप रहबर है, एक रहबर है, शेपर है, एक शेपर है, फिर एक बादनुमा है, बादनुमा इज द काउंसलिंग नेविगेशन ऑफ द करियर चॉइस के साथ, एक बच्चे को साइकोमेट्रिक एनालिसिस के साथ उसकी जाना किधर है कि उसको करना कैसा है जिंदगी में, उसने क्या करना है। सही है सही है, आप उसको डायरेक्शन देते, उस कन्फ्यूजन से भी बाहर निकालते हैं कि वो कहीं यहीं पे स्टे ना कर जाए, यही सोचता ही ना रह जाए और वक्त गुजर जाए, वो जो कन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर उसकी नर्चरिंग हो रही है जी जी, उसमें से उसको थोड़ा सा ब्रेक दे के तो एक डायरेक्शन देना, खुद डिसीजन ले और जिम्मेदारी के साथ ले। सर इसमें जो मैं एक इजाज़त चाहूँगा यहाँ पर, जो इस इंस्पिरेशन के बाद जो अगला स्टेप जिसके ऊपर हम काम करते हैं या जिसका जो कोशिश होती है कि हमारे बच्चे के अंदर वो चीज़ आ जाए, जिंदगानी है सदफ़ कतरा है नीसा है खुदी, वाह
वो सदफ ही क्या जो कतरे को जो 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 कतरे को गौहर कर ना सके। क्या बात हो, अगर खुद गर हो, खुद नगर हो, खुद गीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। वाह वाह, वो जो सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ डिजाइनिंग, सेल्फ आर्किटेक्टिंग, ये सारी चीजें सदफ की तरह बिल्कुल आपके अंदर बंद है और बाद से जो उसको उसको कुछ और चीज उसको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। क्या बात, ये बात उसको आइडेंटिफाई करने की है, आइडेंटिफाई करना है और उसको उसको एक डायरेक्शन पे देना है। सही। तो हर बच्चा जब यहां से 15 दिन के बाद जाता है तो वो सेल्फ एक्चुएट हो चुका होता है। क्या बात, क्या बात। तो और उसके बाद तो फिर ये 15 दिन है आपके राह राहबरी के, मैं कहूंगा एक कोशिश नहीं, राहबरी उसे निकल आया ना। तो ये अभी राहबरी जो है वो शहपरी की तरफ नहीं गई ये 15 दिन में, या शहपरी भी इसमें शामिल है? शहपरी इसका एक हिस्सा है। नहीं, ये 15 दिन है टोटल। वो अगर हम इसके अगर वहां तक जाते हैं तो फिर ये देन इट इज अबाउट 30 डेज। कितने, थोड़ी मुद्दत है, एक महीना। जी सर। और ये महीना अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को, नॉट नेसेसरली कि वो कर्नल अकमल खान के ही इस इंस्टीट्यूशन में भेजें, अभी मैं ये भी बात करना चाहता हूँ जी, वो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में अगर वो मौजूद है कहीं पे, अभी तो आप नज़र आ रहे हैं हमें, तो भेजे तो कितना बड़ा एक इनकलाब आ सकता है उस बच्चे की शख्सियत में और आने वाले ज़मानों के लिए उसकी शख्सियत में। और फिर वो शख्स नहीं है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, और मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, फिर वो दरिया का हिस्सा बनता है, और जब वो दरिया बनता है, समुंदर बनता है और उसके अंदर कोई हलचल मचती है, तो वो कितना बड़ा सोशल इनकलाब लेके, रेवोल्यूशन लेके आ सकती है, और हमारे यहाँ इसकी कितनी शिद्दत से ज़रूरत है। सर, इस तरह के बच्चे, और मेरे पास ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे रूरल एरिया से, पेरिफेरल एरिया से आते हैं, कश्मीर से, केपीके से, सिंध से, और इन बच्चों का ये एक्सपोजर, मैंने अर्ज़ किया कि इन 15-20 दिनों में उनकी शख्सियत इस तौर के ऊपर उनकी वो जो है वो चल पड़ते हैं कि वो अपने आप को वो एहसास महरूमी उनका वो ख़त्म हो जाता है। क्या बात, क्या, तो ये बहुत बड़ी बात, वो एहसास महरूमी कि मैं पता नहीं मैं पीछे रह गया, देना ही बहुत बड़ी बात, मैं बड़ा पीछे रह गया, वो जो उसकी अपनी जात के ऊपर अपना ट्रस्ट और वो जो कॉन्फिडेंस है ना उस बच्चे के अंदर, वो फिर रेडिएट करता है। कि आपने उसको लर्निंग मोड में जो डाल दिया, वो अगर कहीं पे महरूमी है भी है कुछ ना सीखने की, तो जो मोड आपने ऑन कर दिया उसका, वो आप सीख लेगा, वो यहाँ से जाने के बाद उसकी स्पीड अप हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आपका ये इदारा कहाँ कहाँ काम कर रहा है? अभी हमने बहुत सारी बातें की, बातें इसीलिए हम कर रहे हैं कि हमारी बातें कुछ लोग सुन रहे हैं, और जो लोग सुन रहे हैं वो इस प्रोग्राम के बाद एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे आपको भी। पहले तो नेट पे आप कहाँ पे मौजूद हैं, लोग कोई आपको ढूंढना चाहें कहाँ देखें और कहाँ मिलें आपसे और कैसे कांटेक्ट करें, ये भी है। चलें, हम इस प्रोग्राम में आपका फ्लोट कर देंगे जो भी है एड्रेस या जहाँ भी आप हैं। दूसरा, इस वक्त आपकी ब्रांचेस कितनी हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, अभी तक आपका टॉल क्या है, अचीवमेंट क्या है, और उस बारे में कुछ ज़रूर बताइए प्लीज़। ये 2-3 मैंने सवाल इकट्ठे कर दिए हैं, आप सब पे जवाब दें। जी जी, डॉक्टर साहब, एक तो इस प्रोग्राम की जो प्रेजेंस इस वक्त ज़मीन पे है वो DHA2 इस्लामाबाद में, हमारा ये पूरा फंक्शनल इदारा चल रहा है जिसमें हमने फिज़िकल एलिमेंट को भी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो वो जहाँ की पुरसोजी जो है ना सर, वो एक ग्रुप के अंदर जब तक काम करवाएंगे नहीं बच्चों के अंदर से, तो वो एक्चुएट नहीं होती। वो सही, आपने जहाँ को आपका मतलब फिजिक्स से और जिस्म से अलहदा नहीं किया हुआ, वो और रूह और बदन फिर इंटरचेंजेबल एंटिटीज बन जाते हैं, और इनको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी के जो मसल्स हैं, ये जो आपने एड्रीनालिन का पहले जिक्र किया है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है, इसको भी हैंडल करना है, और इसकी साइंटिफिक जितनी भी लॉजिक्स हैं उनको साथ लेके चलना है, और फिर स्पिरिट की बात करनी है, और फिर उसमें इंटेलेक्ट भी डालनी है, तो फिर ये किसी खास कॉम्बिनेशन में, जैसे हमने कहा, उस तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए हमने शख्सियत मुरतब करनी। वो बच्चा खुद खुद आपको जो है ना वो गाइड कर रहा होता है कि मुझे अब किस, मुझे किस टीके की जरूरत है। डिस्कवरिंग द हार्मनी ऑफ नेचर व्हिच इज वेरी मच देयर, बट ड्यू टू सम रीजंस वो डिस्टॉर्ट हुई हुई है, वो डीएनएज हुई हुई है, और हम उसको वापस अपनी जगह पे ला रहे हैं, उसको उस सिनर्जी उसकी दोबारा क्रिएट कर रहे हैं। सर, इसमें जो हमें जहाँ पर
एक और काशिश काविश है, मैं यहाँ पर एक दो जुमले लेकिन वो ज़रूर बताइएगा। आप बता रहे थे डीएचए में हैं आप, और डीएचए में है और ये गौरी गार्डन जो है यहाँ पर हमारा पूरा निज़ाम जो है वो इंशाल्लाह अगले एक महीने के अंदर एक फंक्शन हो जाएगा। डिटेल बताइएगा, ये आप गौरी गार्डन में हैं, किस सेटअप के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पर ये भी एक, ये इसकी एक स्टेज है, हमने राहबर के अंदर से जैसे शहबर निकला है, जैसे रहबर निकला है, जैसे बादनुमा निकला है, इसी तरह इसके अंदर से एक राइज एजुकेशनल सिस्टम भी निकला है सर। राइट, अच्छा, राइज एजुकेशनल सिस्टम की जो जो पिक्युलरिटी है वो ये कि यहाँ पर हम बच्चों को थ्रू अ प्रोसेस ऑफ मेंटरिंग हम उन बच्चों की तरबियत का एहतमाम कर रहे हैं। कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ 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 लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसके अंदर आप ग्रेजुअल कर रहे हैं, उसके अंदर शॉर्ट कोर्स है, ये वो बच्चा है जिसको हम प्ले ग्रुप से लेके चल रहे हैं। ये है कि जो चीज नहीं होती रही जी वो शुरू से डे वन से क्यों नहीं हो रही, वो आप राइज असल में मकसद ये था रानुमा जो है वो बनाने का मकसद ये था कि हम किसी ना किसी तौर के ऊपर एक ऐसा मॉडल हम अपने सोशियो इकोनॉमिक जो हमारे थोड़े से डिप्राइव्ड क्लास है उसके लिए भी इस सिस्टम को कजी और कमी वही बात है डे वन से ही पूरी की जाए, ना कि बाद में लोगों को बुलाया जाए, वो तो बाद में भी रही है ट्रेनिंग, बट व्हाई नॉट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि मगरिब सारा इस तरह से कर रहा है ऐसे। और वो जो प्ले ग्रुप से लेकर सातवीं तक की क्लास के अंदर हमने इस चीज़ का एहतमाम किया है कि हम कुरान करीम और सीरा मुबारक के साथ साथ इन बच्चों की तरबियत का बंदोबस्त करें। तालीम तो उनकी दे रहे हैं, हमारे स्कूल सिस्टम बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन ये तरबिया का एक बड़ा ही अहम सेगमेंट है जो ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया हुआ है। हमने बच्चों को नंबरों की मशीन बना दिया हुआ है। सही सही, कि तुमने अगर फर्स्ट डिवीजन भी ले ली है तो वो बेचारा एक ज़माना तक फर्स्ट डिवीजन लेना जो था एक बहुत बड़ा कारनामा होता था, अब बेचारा 95% नंबर लेकर भी जो है वो मेडिकल कॉलेज में नहीं गए, जाते बच्चे। पिछले दिनों एक मैं छोटी सी बात शेयर कर रहा हूँ, एक दोस्त हमारे आए कि मेरी बेटी इस वक्त कमरा बंद कर लिया हुआ है, अंदर से उसने बोल्ट कर लिया दरवाज़ा, उसका मेरिट नहीं आ सका, 970 मार्क्स थे एफएससी में, शी इज़ नॉट कमिंग आउट, वो अंदर रो रही है, उसकी माँ बाहर रो रही है, आप प्लीज़ आइए तो हमारी मदद करें। पर उस बच्ची को बाहर निकाला, उसको बताया कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि हमने लोगों को बता दिया कि ये टारगेट है, एक बड़ा नैरो सा उसको टारगेट दिया हुआ है और वहाँ पर उसने पढ़ा है फर्स्ट डिवीजन, अब पीछे रह गई, 970 मार्क्स हैं, ये प्लस से भी ऊपर जा रहे हैं, आप 90% मार्क्स ले रहे हैं वहाँ पे आप मार्क्स, तो ऐसे बंदे को ये कहना कि डॉक्टरी ही तेरे लिए रह गई है या यही दुनिया है और यही ज़िंदगी है, इसमें से बाहर निकाल के ज़मीन के खुले होने का एहसास देना, दिमाग के खुले होने का एहसास देना, अपॉर्चुनिटीज़ के खुले होने का एहसास देना, उसको ये बताना कि कायनात का मकसद क्या है, ज़िंदगी एज ए होल किस मकसद के लिए बनाई गई है, तो यही ग्रूमिंग है। और वो हर हाल में कैसे एडजस्ट होना है और कैसे सेटिस्फाइड रहना है और कैसे अपना खुद दुश्मन नहीं बनना, तो ये सिखाना ही मेरा ख्याल मतलूब व मकसूद है आजकल के अहद में, और वो आप काम कर रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये प्रेजेंस तो हमारी फिज़िकल चूँकि इस्लामाबाद में होने की वजह से इन दोनों जगहों को यक वक्त मैनेज करना जो है वो आसान है। हमने कुछ वर्चुअल भी अपने जो है वो सेंटर्स शुरू किए हैं। अच्छा, कराची में भी इंशाल्लाह ताला इसी महीने के इख्तिताम पर हम वहाँ से भी ऑपरेटिव हो जाएंगे और फिर तुर्बत। अच्छा, और तुर्बत से मेरे पास चंद बच्चे आए थे और उन्होंने यहाँ पर मेरे पास तो डेढ़ महीना रह कर गए वो बच्चे, और उनकी जो शख्सियत जिस तरह से तब्दील हुई तो उनके बड़ों ने जो है वो मेरे साथ रابطہ किया कि जी आप इस प्रोग्राम को हमारे पास यहाँ चलाएं, हम अपने। अच्छा, इसमें एक अट्रैक्शन ये है, राइज का तो आपने तारुफ करवा दिया कि राइज एक कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आपने इस चीज़ को टैग किया है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि ये रहनुमाई, ये रहबरी और शहबरी जो आप कर रहे हैं इसको क्यों ना डे वन से सिलेबस का ही कह लेते हैं, कोर्स का, करिकुलम का हिस्सा बना के, तो बच्चों को वो एजुकेशन जो वो ले ही रहे हैं पहले से उसके साथ वो कमी और कजी जो साथ साथ चल रही है उसको डे वन से एड्रेस किया जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक महीने का है,
ये आपने बनाया है, एक बड़ा कंसाइज है जी, टाइम इसमें बड़ा इकोनॉमी ऑफ टाइम का ख्याल रखते हुए जी, और आपने मेरा ख्याल इसकी फ़ी भी बहुत कम है, अगर आप बताना चाहें तो बता दें, मेरा ख्याल है बताने में कोई हर्ज नहीं। फीस इस हिसाब से मटेरियल हो जाती है कि 18,000-20,000 के करीब मतलब, है, और मैं समझता हूँ कि इतना इसमें अट्रैक्शन है, और मैं यही कह रहा था अभी एक दोस्त के साथ बात करते हुए कि प्रोग्राम इतना अट्रैक्शन है इसके अंदर के, मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है वो अपने, हो सकता है कहीं बाहर से भी लोग सुने प्रोग्राम तो वो कहें कि हमारे बच्चे जो है वो आना चाहते हैं, और हमारे लिए 20,000 तो मैटर नहीं करता, हम इस पर बहुत ज़्यादा लगा के उसकी जो अकोमोडेशन का इहतमाम करेंगे। और साफ़दार जो तुर्बत से लोग आते हैं या कराची से आते हैं या दूर दराज से आते हैं, उनका ये 20,000 तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं, वो ज़्यादा रकम लगा के ये अचीव करना चाहते हैं। मेरे पास पिछले साल मेरे पास कुछ वालदैन जो हैं वो जो मिडल ईस्ट में हमारे यकीन काम कर रहे हैं, सोच रहा था और वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बल्कि इस बात के ऊपर इंस्पायर किया कि इसी ही इदारे के अंदर मैं कुछ ऐसी गुंजाइश पैदा कर दूँ कि जो बाहर से आने वाले हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में आके पढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर उनके पास कोई ऐसी, तो वो एक गार्डियन प्रोग्राम भी जो है वो हमने इसके साथ एक, कौन सा प्रोग्राम, गार्डियन, गार्डियन के जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के बच्चे हैं वो पाकिस्तान में हमारे इस इदारे के अंदर रह भी सकें, रह सकें, ऐसे ही है ना, पूरा उनका पूरा बनाया जाए बिल्कुल उनके, मतलब एक कैडेट कॉलेज का एक, एक, एक और कैडेट कॉलेज का एक और, दिस इज अ जर्नी टुवर्ड्स दिस, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, वक्त के साथ साथ इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने डॉक्टर साहब ज़रूर रखना चाहूँगा कि मैं ग्रेजुअली इस प्रोग्राम को जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करने का, ग्रेट ग्रेट, ताकि कल अकमल, इफ अकमल इज आउट, अकमल इज डेड, तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। हमारी अक्सर चीज़ें ये जो सक्सेशन प्लान ना होने की वजह से हम तबाह होते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी है, सक्सेशन है, वो हमारे अंदर हमारे डिपार्टमेंट्स में, इंस्टीट्यूशंस में, आप वैसे एक ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जिस, जो दिस इज़ द ओनली एग्जाम्पल जिसके बारे में कहते हैं, पब्लिक हेल्थ में भी हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं जी सवाए आर्मी के सक्सेशन प्लान किसी इदारे में नहीं है, तो ये चला जाएगा तो क्या होगा फिर, क्यों, तो यहाँ पे यही है। पॉलिटिक्स में हम देख लें पाकिस्तान के अंदर किसी से पॉलिटिकल सिस्टम का होना कितना ज़रूरी है, साइंस के अंदर आप लिटरेचर में देख लें, हमें हमें नहीं पता होता कि बाद में क्या होगा, लगता है कि इसका खिलाफ पुर नहीं होगा, ये जो हम कहते हैं, हम कहते हैं खिलाफ पुर नहीं होने वाला, भाई खिलाफ पुर होना चाहिए, होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, हम नहीं कहते कि इकबाल एक और आना चाहिए, लेकिन अगर कोई आ जाए तो हमें कोई, हम मना तो नहीं कर रहे, जितना इकबाल इस बार खुद तो नहीं कहता था कि मेरे बाद कोई इकबाल नहीं आना चाहिए, वो तो कह रहा है कि बनो यार, तो ये बड़ी अहम बात है। और आपने ये भी बताया कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, मैं उसी बात को आगे लेके चल रहा हूँ कि जो अकमल ना भी हों, कर्नल अकमल साहब ना भी हों, तो वहाँ पे कोई और हो, और क्योंकि कोई कोई इसके अंदर कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि जो मेरे 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 एलिमिनेट होने से वो चीज खत्म हो जाएगी, ये तो वो सारी चीजें हैं जो पड़ी हुई हैं, हमने तो सिर्फ, लेकिन इसके लिए एफर्ट एक बंदे ने करनी है, तो वो काफी वही बात है कि प्लान कर रहा हूं वो होना चाहिए कि आप कौन सक्सीड कर रहा है, बात कौन आएगा, तो वो एक इंस्टीट्यूशन की सूरत में आप कर पाएंगे। अच्छा कनर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि वर्चुअल, यानी कि इसको हम डिस्टेंस लर्निंग कह लें या डिस्टेंट लर्निंग कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्टेंट लर्निंग, डिस्टेंट लर्निंग, ये जो लर्निंग है जैसे आपने कहा तुर्बत और कराची में जी, तो ये किस तरह मुमकिन है, और अच्छी बात तो है कि वर्चुअल, आपका मतलब है आप प्रैक्टिकली वहाँ पे सेटअप अभी नहीं लगा सकते लेकिन वर्चुअल यानी डिस्टेंस वहाँ पर लोकल्स जो वहाँ कर हैं, ये इफेक्टिव क्या इतना होगा, इस पे मेरा ये क्वेश्चन है, अब आप इस पे प्लीज। इफेक्टिवनेस तो चूंकि अभी हमने इसको शुरू नहीं किया तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें जो इरादा है वो ये कि हम रियल टाइम में ये स्क्रीन हो रही होंगी इन दो जगहों के ऊपर भी ये चीज़ें, और जो वहाँ का ऑडियंस जो बच्चा वहाँ पर बैठा होगा वो मेरे साथ कैमरे के ऊपर मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, उसके जो सवाल होंगे मैं उसको डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूँगा। जहाँ तक मामला है कि उन बच्चों के साथ होने का, तो उसका मैं नहीं समझता कि कोई और रिप्लेसमेंट हो सकती है, यू हैव टू बी इन दिस कैंपस, दूसरी बात है कि लिमिटेशंस हैं तो उसके अंदर ये करना, तो ये लिमिटेशंस के अंदर आप एक रास्ता है छोटा सा, सही है। आपको लोग अप्रोच करना चाहें, जानना चाहें करना सब कहाँ है, सो मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं DHA में मेरी रिहाइश है, वहीं पर मेरा जो कोई आपको फेसबुक का आईडी या एनीथिंग, रहनुमा कैंपस के नाम से जो है वो फेसबुक के ऊपर हम मौजूद हैं, और उसको गाहे बगाहे जो है रहनुमा कैंपस, रहनुमा कैंपस,
और इस वक्त तकरीबन उसके ऊपर कोई 15-16 हज़ार जो है उसकी फॉलोइंग है, पेज लाइक्स या फॉलोइंग, जो लाइक्स जो फॉलोइंग, वो ज़्यादा तो मुझे उसका इतना इल्म नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं मेरे लिए, तो वो एक एक्सेस है कि मेरे साथ वहाँ से भी जो कम्युनिकेट करना चाहे, टेलीफोन नंबर्स वगैरह भी जो हैं वो सारे सही है, वो शेयर कर लेंगे, इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। कहना सब ऑडियंस हमारी, समय पाकिस्तान की ऑडियंस, हमारा एक वेब टीवी है जहाँ पे आपका प्रोग्राम अभी देखा जाएगा, और वैसे भी वेब टीवी से मावरा होकर भी हम बात करें तो लोग आपको देखेंगे, इस प्रोग्राम के क्लिप्स चलेंगे या आपके पेज पे भी जाएगा। आप कोई मैसेज जो देना चाहें ऑडियंस को, लोगों को, आप सर, हम उधर देखते हैं और वो मैसेज देते हैं ऑडियंस के लिए। मेरी जो दरख्वास्त होगी अपने नौजवान जो पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चों की इब्तदाई अयाम से ही उनकी इस तरबियत के लिए अपने टाइम के अंदर ये ज़रूर पैदा करें, माएँ ख़ास तौर पे और वालिद अमूमी तौर के ऊपर, क्योंकि इन दोनों की ही जो परताव है वो इस बच्चे की शख्सियत के अंदर सारी ज़िंदगी फिर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये तो माँ बाप को, जो एल्डरली माँ बाप हैं उनके लिए मेरी ये उनके लिए पैगाम होगा कि वो अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को थोड़ा सा इंसानी शख्सियत के हवाले से, इंसानी शख्सियत के हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो हमारे तो जो जज्बात का एक तलातुम, एक पूरा ज्वालामुखी है जिसके ऊपर हम हर वक्त लेकर चल रहे हैं, उसको रेगुलेट करने का बच्चों को तरबियत के अंदर उनके इनकलकेट करना चाहिए। और बाकी हमें जिस चीज़ के ऊपर मैं बड़ी ख़ास तौर पर एक दरख्वास्त करूँगा, मगरब ने अपनी डिक्शनरी के अंदर से झूठ के लफ्ज़ को जो है वो हज़फ़ कर दिया है, और सिर्फ ये जो उसकी बचपन के जो 10-12 साल हैं इसके अंदर वो जब सच्चाई के साथ और उन सोशल स्किल्स के साथ वो जब आरास्ता होकर जब वो सोसाइटी का हिस्सा बनता है तो उसका उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि ये इकबाल का वो शाहीन बच्चा है, वो शहपर है कि जिसे हमें वो आज़ादी, वो कॉन्फिडेंस, वो यकीन के हथियारों के साथ लैस करके अपने इन बच्चों को हमने इस ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर इन बच्चों की तरबियत का इस तरह से अहतमाम करना है कि वो बच्चे जब अमेरिका में पढ़ने बढ़ने वाले बच्चों से या यूरोप में या जापान में या ऑस्ट्रेलिया में, उन बच्चों से हमारा बच्चा पीछे नज़र ना आए, उनके साथ उनका हम पल्ला हो। और वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप उसकी किरदार साजी, उसको पढ़ाना, उसको तालीम देना ये एक काम है, लेकिन उसकी किरदार साजी और उसकी तरबियत का एहतमाम करना ये वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि जिस पे इस वक्त बहुत कम तवज्जो है हमारे मुआशरे में। वो ज़रा मेरी दरख्वास्त होगी अपने सुनने वाले तमाम जो पेरेंट्स और वालदैन हैं कि इसके ऊपर हमें बहरहाल तवज्जो देनी है। ये इट्स नेवर टू लेट, जिस वक्त भी आप इसके ऊपर तवज्जो देंगे आपको इसका रिस्पांस जो है वो अपने बच्चों के अंदर फौरी तौर के ऊपर दिखाई देगा। थैंक यू सब, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आपका रहनुमा प्रोग्राम रहनुमाई ले रहा है इकबाल से, और इकबाल अपनी रहनुमाई लेता है कुरान से, और कुरान अल्लाह की किताब है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Thank you.